please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ओमकार रियल्टर्स बना रहे हैं नया प्रोजेक्ट 1200 फ्लैट्स के साथ 1700 करोड़ की लागत से। ओमकार रियल्टर्स आने वाले 5 वर्षों में मुंबई के अंधेरी में एक नए आवास योजना का निर्माण करेंगे जिसमें 1200 फ्लैट्स होंगे और 1700 करोड़ रुपए का निवेश होगा। फ्लैट की कीमत 87 लाख रुपए से 1.6 करोड़ रुपए तक होगी, जबकि कारपेट एरिया 355 से 710 वर्ग फुट तक का अलग अलग होगा। जेपी ग्रुप नहीं बेच सकेगा संपत्ति, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। एसोसिएट्स की ओर से जमा कराई गई 275 करोड़ रुपए की रकम को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए वाई चंचूण की 3 सदस्यीय खनवालकर और जस्टिस डीएम की बेंच ने सभी 13 निर्देशकों की निजी संपत्ति को फ्रीज कर लिया है। खरीदारों को तरसा ग्रेटर नोएडा, 61,784 फ्लैट पड़े हैं खाली। ग्रेटर नोएडा, गुड़गांवा और नोएडा के तीनों ही जगह एनसीआर में आती हैं। पूरे देश में एनसीआर को रियल स्टेट के लिए अच्छा बाजार समझा जाता रहा है, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी के बाद से बाजार सूना पड़ा है। पेट्रोलियम कोक के ऊपर प्रतिबंध बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट। भारत पेट्रोलियम कोक का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पेट्रोलियम कोक सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले पदार्थों में से एक है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये एक अहम फैसला है। दिल्ली के साथ साथ ये रोक उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी रहेगी। जयप्रकाश ने अपने ऊपर घर खरीदारों के लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो कि गलत हो या कोर्ट की नजर में सही ना हो। यह आरोप अकाउंटेंसी फर्म एएसए फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट पर आधारित थे।